वाहेगुरु साहब जीओ। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अलमूरत अजूनी सहगुण गुरप्रसाद। सम्मान योग गुरु प्यारे गुरु सारे गुरमुख जनों, आप सारिया नू अज दी गुरमत क्लास में जी आया। सिख मिशनरी कॉलेज वालों चल रही इस गुरमत क्लास में असी सिख रहत मर्यादा की विचार कर रहे हाँ। कल असी नाम बाणी का अभ्यास जो पहला सी पक्ष वह असी पूरा कर चुके हाँ। अज उस तरह दूसरा पाठ है गुरमत की रहनी। तो अज असी गुरमत की रहनी तो अज की विचार आरंभ करांगे। सिख दी आम रहनी कृत बिरत गुरमत अनुसार हो गए। सब तो पहली लाइन उदे च सिख रह मर्यादा दे विच ए लिखा होया। उदे लई अगे तीन होर पक्ष जिहड़े हन उह दित्ते गए हन। तो सिख दी रहनी ते कृत सखी रहनी दे इस वाक्य गल बड़ी स्पष्ट है कि सिख का आम जीवन गुरमत अनुसार ही होना चाहिए है। इतो गल बड़ी साफ नजर आती है कि सिख का आम जीवन जोड़ा है वह गुरमत अनुसार ही होना चाहिए है। सिख अपने जीवन के हर पड़ाव उत्ते सिख ही है। गुरमत अनुसार ही बनने लई सिख बनना जरूरी है। तो सिख का मतलब सीखना है। वह गुरुद्वारे बैठा तो भी सिख है। वह अपने किसी सरहद की राखी ते कर रहा तो भी सिख है। वह लंगर छकता है तो भी सिख है। व्यापार करता है तो भी सिख है। यह नहीं कि केवल गुरुद्वारे बैठ के कथा कीर्तन सुनद लंगर छकते हैं वह सिख है, उस तो बाद सिख नहीं है। दूजे प्रता यह लफ्जा च कह लिया भी सिख की जीवन के हर पहलू के उत्ते गुरमत की खुशबू होनी चाहिए है। सिख की आम रहनी रित विरत गुरमत अनुसार हो मतलब भी उसके जीवन विचों हर पहलू चो हर कम हर कर्म विचों गुरमत की खुशबू होनी चाहिए है। यही साड़ी जीवन जाच है, यही साड़ा वे ऑफ लाइफ है। इसलिए जीवन के हर हरकत विचों साढ़े गुरमत के चमकां जिहड़ियां पैणियां चाहीदियां, गुरमत के झटकार पैने चाहिए हैं। किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनाए, भाई गुरदास जी का यह कथन भी है। सिख किरत भी कोई करे प्रवान है, पर कोई भी किरत धर्म तो बेमुख नहीं होनी चाहिए। धर्म भी होनी किरत जिहड़ी है धंधा बन जाती है। उस धंधे नूं फिर गुरु पातशाह धंधा करके निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। धंधे नूं गुरु महाराज ने गुरमत ने प्रवान नहीं किया। किरत करने का काम सतगुरु ने सानूं उपदेश किया है। सिख धर्म के सुनहरी असूलों विचों नाम जपना किरत करनी नाम जपना वण छकना तीन सारी असूल हैं जिहड़े गोल्डन रूल्स जिहड़े आने सिखने आ ये सिखी दे हैं। उदे भी सब तो पहला किरत करने की गल जी है वह की गई है। जेडे जे साड़ी किरत विच धर्म नहीं है तो फिर उस बेमुखता नजर आती है। वह सिख गुरु के सरमुख नहीं हो सकता। तो जे कोई सिख गुरु सिख ही सरमुख हो गए हो सरमुख से कोई जियो रहे गुरु नाले है। इतने जियो गुरु के नाल रहने की गल है, उपरों उपरों सिख नहीं। धर्म की किरत होगी, धर्म के जीवन में धर्म का झुकारा होगा, जीवन धर्म की चमक पवेगी, तो फिर यह गल असी कह सकते हैं भी सिखी मार्ग से चल रहा है। नौकरी करता है चाकरी करता है तो भी वह चेतन होकर चाकरी करे। जे बिन सतगुरु के मन गुरु
जे बिन सतगुर के मन्ने गुरसिखा पासों काम कराया लूड़ा तिस नेड़े गुरमुख मूल ना आओ तिस नेड़े गुरसिख मूल ना आओ। तो उसे जेड़ी गल गुरु पातशाह ने बाणी च लिखी है वो गल बड़ी स्पष्ट जी लिखी है। तो सिख रहत मर्यादा दे शख्सी रहनी दे इस कांड नंबर 2 ते गुरमत रहनी ते कूड़े तो लैके नाणा तक तकरीबन 20 मदा हैं। कूड़े तो लैके नाणे तक चलती है और इहदियां 20 मदा हैं। इस मद की जिहड़ी भूमिका है वह है सिख की आम रहनी जां नित्ता प्रति रहनी अते किरत विरत गुरमत अनुसार रखण दा आदेश है। यह भूमिका है जिहड़ियां अगे मदा हैं उन्हां दा शॉर्टकट जिहनूं असीं कह दिंदे हां ना वी उहदे च की होएगा भूमिका विच असीं अगे की होएगा वो ये भूमिका है जिहड़ी एक लाइन दे विच गुरमत की रहनी दे पहली लाइन दे विच लिखी गई है। इस तरह सिख की रहनी नूं ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਾਪਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੁਕਤਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਨਮਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਨ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ। ਜੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਕਿਆ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਧਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਵੈਖ ਜਾਂ ਦੁਬਧਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਮ ਰਹਿਣੀ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀਵਿਕਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
संसारक जीवन नू, धार्मिक जीवन नू, राजनीतिक जीवन नू, ते समाजिक जीवन नू इको डब्बे च ओह गुरमत दा डब्बा जिसने गुरमत दे डब्बे च उहनू बंद करके रखना। वखरे वखरे डब्बे च बंद कर दिता गया तां धर्म तो असीं कदी धर्म नहीं कमा सकते, ना ही असीं गुरमत दे मार्ग ते चल सकते। एक डब्बा केड़ा है जिस सारियां चीज़ां कट्ठियां होइयां, गुरमत दा डब्बा जिथे मनमत नू कोई थां नहीं है, जिथे गुरु दी सिख्या ही सिख्या है। तो यह गुरमत की रहणी का जिहड़ा यह भाव है कि मन करके बचना करके करमा करके ये जीवन में एक सारता होनी चाहिए है। मन बच करम प्रभ एक ध्याय की जो फार्मूला है गुरमत ने दसिया गया है। सिख की आम रहनी किरत विरत गुरमत अनुसार हो, तो सिख ने गुरमतिया होना है, मनमतिया नहीं होना। देखो कितनी बड़ी गल एक लाइन दे विच हैडिंग दे विच ही दिती गई है भी सिख ने मनमतिया नहीं बनना, गुरमतिया बनना है। गुरमतिया कौन है? गुरु के दसे मार्ग से चलन वाला। मनमतिया कौन है? अपने मन के पिछे चलन वाला, मन की मर्जी मुताबिक चलन वाला। तो सिख ने गुरमत अनुसार सीधा फार्मूला दसिया गया भी सिख ने गुरमत अनुसार अपनी जिंदगी जीनी है। अंदरी ते बाहर की रहत नूं सिख वखरा नहीं कर सकता। जे साडी बाहर की रहत है अंदर की रहत भी होनी बड़ी जरूरी है। जे अंदर की असीं रहत गल करते हैं तो बाहर की रहत होनी भी जरूरी है। ये नहीं है भी सिख कहे मैं तो बाहरों सिख हाँ अंदरों नहीं बनना, जै कहे जी मैं तो अंदर सिख है मैं बाहरों नहीं बनना, यह नहीं हो सकता। सिख लई रहत अंदर भी ते बाहर भी दोनों रहतों का होना जिहड़ा है जरूरी है। जिवें शरीर बाहरी है आत्मा अंदरली चीज़ है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि सानू हुण शरीर की लोड़ नहीं, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि सानू आत्मा की लोड़ नहीं। शरीर का संबंध आत्मा नाल है, शरीर बाहर का संबंध रखता है, आत्मा अंतर अंदर का संबंध रखती है। इस तरह ही गुरु सिख के बाहरी जीवन ते अंदरले जीवन नू असीं वखरा नहीं कर सकते। जे कह दिए जी असीं गल्लां नाल तां असीं बाहरों सिख हाँ पर अंदरों सिख नहीं, कई ये भी तो कहें असं गुरु नानक साहब के सिख हाँ, की होया असी केस नहीं रखे अभी गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख हाँ, नहीं बने तो गुरु नानक साहब के सिख हाँ। कई ये कह देंगे ने भी साढ़े तो मन ही बड़ा साफ है, असी तो गुरु वाले बने नहीं, अमृत पान नहीं किया, तो फिर की फर्क पैंदा। बेनती है अंदर तो बाहर दोनों की रहत होनी बड़ी जरूरी है, जी गुरमत की रहनी का जो सरलेख आया। तो जे ये नहीं तो फिर सुखमणि की बाणी के गुरु पातशाह ने बयान की है कि गल रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत, जानन हार प्रभु प्रवीण, बाहर भेख ना काहू पीन। सुखमणि की बाणी विच गौड़ी सुखमणि जो सरलेख आउंदा उहदे च गुरु अर्जन देव महाराज ने यह गल सानू स्पष्ट समझाई है। तो गुरमत अते मनमत दोने एक थां ते नहीं टिक सकते, बिल्कुल कलैरिटी करदे आ। वस्तु माहे बस समावे दूजी होवे पास। जे किसी भांडे विच वस्तु पाउणी है तो भांडा खाली भरना पेगा, भरे हुए भांडे विच दूजी वस्तु नहीं पा जा सकती, वह बाहर ही डुलेगी। ये बिल्कुल उस तरह है जिवें गुरु अर्जन देव महाराज ने भाई मंझ ने जो सिखी की दात मंगी सी पातशाह मैनू भी सिखी की दात दे दिओ, तां भाई मंझ नूं गुरु अर्जन देव महाराज ने यह गल स्पष्ट कह दिती सी भाई मंझ सिखी उत्ते सिखी नहीं टिक सकदी, भाव गुरमत ते मनमत कट्ठियां नहीं रह सकदियां, जां गुरमत होएगी जां मनमत होएगी। ये नहीं हो सकता बंदा गुरमत भी होवे ते मनमतिया भी होवे, यह गल जिहड़ी संभव नहीं है, ये गल पॉसीबल भी नहीं है। ये तो जो आप देख लीए भी हंस योग की बिरती राही सही मार्ग गुरु का अभ्यास करना गुरमत अनुसार जरूरी है। इस लिए जब भी कोई सवाल आए कि यह काम असं करना कि नहीं करना, ये गल बोलनी या नहीं बोलनी, ये चीज़ असं खाना कि नहीं खानी, इतने जाना कि नहीं जाना, यदा जवाब बड़ा आसान है, बड़ा जवाब सुखा जाए इस गल सारे इन सवालों का जवाब यो इको ही है। अपने आप न सवाल कर लवे, जे गुरु साहब शरीरक तौर पर भी साढ़े मौजूद होंगे तो वह की करते सन? वही करते सन जो यो गल सलुख सिखा समझाते सन कि अपने आप को सवाल पूछ के देखो, बंदे खोज दिलहार उस दी गल करो कि असं कितने खड़े हैं, साड़ी की गुरमत है। तो इस तो गल स्पष्ट हो गई
कि गुरमत दे विच गुरमत दी रहनी दी जिथे गल की उत्थे केवल गुरमत दी रहनी तक इन सीमित नहीं रखिया, अगली गल की है सिख ने केवल रहनी ही गुर गुरमत अनुसार नहीं रखनी, कार विहार किरत कि जिन्हों किरत कहते पैर चढ़ाना पे अस किरत अर्थ कार विहार विरत अर्थ कारोबार ये भी गुरमत अनुसार रखनी होगी, ये भी गुरमत अनुसार रखनी है। तो इस अध्याय की मध जिहड़ा जज्जा जाके आउंदी है उहदे विच वी इह गल लिखिया होया गुरु का सिख धर्म की किरत करके निर्वाह करे, कुछ अगे जाके लिखा होया है। तो इत्थे विरते भाई गुरदास जी गल कहिंदे ने किरत विरत कर धर्म की हरका खट खिलाफ खट खवालन कार करेही, ये वार पहली दी पौड़ी नंबर 3 दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी सानू इह गल समझाउंदे हन। इस तरह ये जिहड़े 20 नुक्ते हन गुरमत दी रहणी दे सचमुच ही साडे पंथक जीवन का जाति जीवन का शख्सी जीवन का दोनों का ही मिलवा आधार है। इन्हों दो भी नुकत्या बड़े ही ख्याल नाल बड़े ही ध्यान दे नाल बड़ी ही समझ दे नाल सानू समझने की जरूरत है। ये भी जेकर भी नुकते समझ आ जान तो गुरमत दी बहुत सारी समझ सानू जिहड़ी है वह मिल जाएगी। जे गुरमत की रहणी दे भी नुकते ही साडी समझ विच आ जाण जिहड़े सिर्फ दो पन्नियां दे उत्ते ही रहत मर्यादा से दर्ज किए गए हैं। तो वह हम पहला नुकता है सिख की उड़ा एक अकाल पुरख तो छुट किसी होर किसी देवी देवते की उपासना नहीं करनी। तो तीन हिस्से हैं जी गुरमति रहनी के, पहला तो सब सामने आ गया गुरसिख की गुरसिख की आम रहनी किरत विरत जी गुरमत सारी हो गए। हम गुरमत की है गुरमत यह है तो की है भी एक अकाल पुरख तो छुट किसी देवी देवते की उपासना नहीं करनी। दूजा है अपनी मुक्ति का दाता ते इष्ट केवल दस गुरु साहिबान की बाणी दस गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु साहिबान की बाणी नूं मनना। इत्थे भी गल बड़ी स्पष्ट की दी है। तीजा है दस गुरु साहिबान नूं इको जोत कर प्रकाश रूप करके मनना। हुण पहला है एक अकाल पुरख तो छुट किसी होर देवी देवते की उपासना नहीं करनी। गुरु नानक पातशाह का जो संकल्प सी संसार दे उत्ते लैके आए वो सी एक ओंकार का, वो सी ब्रह्म अजोनी है, वो है जोना विच नहीं आऊंगा। सतगुरु का जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ा संदेश दिता सी वो एक ओंकार तो शुरू किया सी। हुण गुरमत दी रहणी दी पहली ते बुनियादी शर्त है कि एक अकाल पुरख तो छुट किसी देवी देवते की उपासना नहीं करनी। सिख ने एक अकाल पुरख तो छुट किसी भी देवी देवते की होर पूजा नहीं करनी। पूजन योग हस्ती केवल एक अकाल पुरख ही है। दुबधा ना पढ़ू हर बिन होर ना पूजू मड़ा मसान ना जाई, ये सोलठ राग विच गुरु पातशाह जी का बचन आता है। तो नवीन पंथक प्रकाश के पंथ प्रकाश में भी एक गल आती है एक अकाल की करत बंदगी शस्त्र विद्या बहु पसंदगी नाम सिंह बिन मजहब खालसा नाम सिंह बन मजहब खालसा छोड़ देत सब जगत जालसा। गुरमत शब्द मुढ़ला सिद्धांत है बुनियादी सिद्धांत है कि अकाल पुरख की उपासना ही करनी है ना कि किसी होर की उपासना करनी है। ये गल सानू गुरबाणी दे विच भी इस गल की व्याख्या मिलती है। वो की है साहेब मेरा एको है भाई एको है साहेब मेरा एको है भाई एको है गुरु नानक देव महाराज का आसा राग का एक बचन है। फिर बाई राग में गुरु पातशाह का एक बचन आता है ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधक धरा अस्त एक दिगर तू कोई एक तू ही एक तू ही केवल तू ही तू है। फिर अगे जाके भगत भैरव कबीर जी दे विच भैरव राग कबीर जी का एक बचन आता है जो जाचू तो केवल राम आम देव सो ना ही काम। भगत रामदेव जी ये गल कहते हैं हूँ तू एक रवैया लै हूँ आम देव बदलाव देव मैं होर देवी देवत्या बदले च देता मैं केवल एक राम की उपासना ही करता। जे असी 33 सवैये पढ़ते हैं कलगीधर पातशाह जी के तो उहदे च भी एक गल बड़ी स्पष्ट आती है
कोई कऊ दिदेश दजेश को बागत है और कऊ महेश को ईश बते है। कऊ कहे विष्णु विष्णायक जाए पजे अग ओ कटे हैं। बार हजार विचार अरे जड़ अंत समय सब ही तजे हैं। ताही को ध्यान प्रमाण हिये जो था अब है और आगे ऊ है अगे ऊ है। तो ये जड़ी कहते ने कोई किनू मनता है कोई किसनू मनता है। ये कहते ने अरे मूर्खा बार हजार विचार हजार बार ये गल विचार के देख अरे मूर्ख अंत समय सब ही तजे हैं किसी ने नाल नहीं जाना। उदा ध्यान रख ताही को ध्यान प्रमाण ही है कि जो था अब है कि आप सच जवाब सच है भी सच नानक उसी भी सच। उदा ध्यान अपने हिरदे च रख। तो गुरमत का यह बुनियादी सिद्धांत है एक अकाल पुरख तो छुट किसी होर देवी देवते की पूजा नहीं करनी। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਦੀ ਟੇਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਸ਼ੇਦ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਦੇ ਪਾਹੋਂ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ ਜਲ ਮੈਂ ਬੂੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੇ 1936 ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੱਧ ਜਿਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਛਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ 1936 ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ 1936 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ
इस अध्याय जिहड़ी इस मध है उहदे च दस गुरु साहिबान की बाणी नूं मनन की गल की गई सी, पर छापे दे विच आउण करके जां इस तों लफ्ज़ जिहड़ा दस कटिया गया किवें होया इहदे बारे कोई मता भी नहीं मिलता ते ना ही इहदे बारे कोई जानकारी मिलती है। मैं तो जिन्नी कि मैनू कोई जानकारी हासिल हुई है 1936 दे 1945 दे विच कोई मता पास हो के नहीं है, जां किस तरह होया जां छापे च रह गया जां किस तरह दे बारे कोई जानकारी सानू नहीं मिलती, ना ही ये जानकारी साढ़े को मिल सकती। हुण ये गल बड़ी महत्वपूर्ण है कि वे अपनी मुक्ति का दाता इष्ट केवल दस गुरु साहिबान की बाणी नूं मनना, सिख की मुक्ति का दाता केवल केवल तो केवल दस गुरु साहिबान शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब ते उन्हां दी बाणी नूं है बाणी नूं मनना है। सिख का इष्ट अते मुक्ति का दाता गुरु साहिबान की बाणी है। हुण इत्थों गल स्पष्ट होंदी है सिख का इष्ट कौन है, गुरु साहिब की बाणी। इहदा मतलब कोई फोटो कोई तस्वीर कोई मूर्ति जां कोई होर जड़ वस्तु जिहड़ी जां अजड़ वस्तु जिहड़ी उह सिख की मुक्ति का दाता नहीं बन सकती। उह केवल केवल तो केवल दसां गुरु साहिबान की बाणी जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी बाणी है उह साडे मुक्ति का दाता का इष्ट है। इत्थे दो मतां सामने आउंदियां ने, एक है मुक्ति का दाता ते दूजा है इष्ट, दो गल्लां सामने आउंदियां ने। भाई वीर सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोश दे विच मुक्ति की व्याख्या जदों करदे हन उहदे चों लिखदे आ मुक्ति आखरी छुटकारा जो रूह जीव आत्मा नूं शरीर तों प्राप्त हुंदा है, जिहड़ी भाई वीर सिंह ने गल लिखी है, जिस तों मगरों फिर कोई शरीर ना धारे। प्राणी का मकसद वाहिगुरू नूं पाउणा नहीं बल्कि वाहिगुरू विच समा जाणा है। भाई वीर सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ कोश विच मुक्ति की जिहड़ी परिभाषा दित्ती है मैं फिर एक बारी आप जी नाल सांझी कर रहा, मुक्ति आखिरी छुटकारा जो रूह जीव आत्मा नूं शरीर तों प्राप्त हुंदा है जिस तों मगरों फिर कोई शरीर ना धारे। तो प्राणी का मकसद वाहिगुरू नूं पाउणा नहीं बल्कि वाहिगुरू विच समा जाणा है। तो इत्थे जिहड़ी गलबात सानूं समझाई गई है एक ये मुक्ति दूजी विकारां तों मुक्ति। तो विकारां तों मुक्ति प्राप्त करन लई गुरु नानक साहिब ते उहनां दे उत्तराधिकारी जिहड़े गुरु साहिबान होए हन उहनां नूं भाव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं आप तो ही सेध लैण दा हुकम सिख नूं है। गुरु साहिबान ते गुरु साहिबान की बाणी तो ही सेध लैण दा हुकम सिख नूं है ते हुकम मन्नण दा बार बार आदेश भी किया गया है। इस तों अगे ये गल जिहड़ी लिखणी कि गुरु साहिबान की बाणी नूं मन्नणा साडी ये तो फिर ये गल सानूं समझ लैणी चाहीदी है कि सिख केवल गुरु नानक सिद्धांत का धारनी है। इत्थों ये गल समझ आउंदी है कि सिख केवल गुरु नानक पातशाह वालों बख्शे हुए भाव गुरु नानक जोत दे बख्शे हुए सिद्धांत का ही धारनी है। इसलिए जे मन विच भगत बाणी जां होर महापुरखां दी दर्ज बाणी बाबत कोई शंका उत्पन्न भी हो जाए तो फिर सानू उसकी निवृत्ति इस आधार पर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्वान वैसे हुए सन जिहड़े भगत साहिबान नूं बाणी मनन नूं तैयार नहीं हुए, कोई भट्ट साहिबान की बाणी नूं नहीं मनदा। तो फिर सानू इस नुक्ते तों आके अपनी मुक्ति का दाता ते इष्ट केवल दस गुरु साहिबान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु साहिबान की बाणी नूं मनने दे उत्ते साडा निवेड़ा हो जांदा है। जे वह बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है तो फिर साडा उत्ते किंतु परंतु करना जिहड़ा है वह ठीक नहीं है। जिहड़ियां रचनावां बाहर दियां उन्हां नूं कच्ची बाणी की गल की गई है उन्हां ते ना सिख का विश्वास है ना सिख का विश्वास रहे ना बनिया ना बने। इस वास्ते जरूरी है गल कि इत्थे जिहड़ी गल मत दित्ती गई है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच असीं अनेकां जगह के उत्ते वेखदे हां कि भगतां वालों प्रगट किए ख्यालों नूं गुरु साहिबान ने होर स्पष्टता दे के गुरमत सिद्धांत नूं भी दृढ़ करवाया है। उहदा कारण की सी कि किते लोग टपला ना खा जाण वी इस सिद्धांत की जे पूरी स्पष्टता नहीं हुई तो इत्थे ते किते टपला ना खा जाण। तो इस लई इह गल बड़ी स्पष्ट है कि मुक्ति जिहड़ी जो भाई वीर सिंह जी ने लिखा वी वाहिगुरू विच समा जाणा ही मुक्ति है। संसार यात्रा नूं सपूर्ण करदिआं जन्म मरण तो मुक्त होना मौत के डर तो मुक्त होना ही मुक्ति है। सो मुक्त से मुक्त से मुक्त पे जिन हर त्याया जी जिन टूटी जम की हांसी
ਉਹ ਮੁਕਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ, ਗੈ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਮਨ ਬਿਸ਼ਟ ਹਰ ਹਰ ਰੰਗ, ਕਰ ਦਿਆ ਲਿਓ ਲੜ ਲਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ, ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਧ, ਜਨਮ ਮਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਂ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਨਾ ਡਰ ਦੇ ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗ ਕੇ ਮਿਲਦੀ, ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਗ ਮੁਕਤ ਬੇਕੁੰਠ ਸਭ ਵਾਂਛੇ, ਨਿਤ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੀਜੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਜਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਤੀਜੈ। ਇਹ ਵਚਨ 1324 ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ਼ਟ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਾਧਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅੰਨ ਦੇ, ਕੁੱਝ ਧਨ ਦੇ, ਕੁੱਝ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਦੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ ਤੇ ਹਿੜ ਹਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਖਾਣ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ, ਧਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਮੁਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। 1817 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, 1817-1870 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਲਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
सिख पंथ का हिस्सा बनने लई दूजे लफ्ज़ां च मैं गल कर रहा सिख पंथ का हिस्सा बनने लई अपनी मुक्ति दा ते दाता दा इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनना अत लाजमी है। सिख पंथ का एक हिस्सा बनने दे लई ही अपनी मुक्ति दा मुक्ति दा जे इष्ट मुक्ति दा दाता ते इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं मनना लाजमी है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बराबरी कोई होर ग्रंथ नहीं कर सकता, ना ही किसी होर ग्रंथ नूं मानता है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बराबरी करे। इस मत मुताबक गल बड़ी स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं मनना, पर सिख रहत मर्यादा का जो हिंदी एडिशन छपया उहदी ते ऐण दे लफ्ज़ ऐण की थां ते आपां कह लईए उत्थे लफ्ज़ और जिहड़ा इस तरह करके छप गया है, उहदे विच इक फर्क जिहा आउंदा है। मूल सिख रहत मर्यादा विच जिहड़ा अंकित है वह है अपनी मुक्ति दा दाता दे इष्ट केवल दस गुरु साहिबान श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु साहिबान की बाणी नूं मनना। यह गल बड़ी स्पष्ट हो गई, पर जिहड़ी जे हिंदी की रहत मर्यादा आपां देखदे आ ते लिखिआ अपना मुक्त प्रदाता और इष्ट केवल दस गुरु साहिबान तथा श्री गुरु ग्रंथ साहब अथवा गुरु साहिबान की बाणी की को मानना। इतने थोड़े जे अर्थों के जो असी हिंदी जिन्होंने हिंदी ज्यादा आती मेरे ना ज्यादा वही अर्थ कर सकते हैं, तो उत्थे बड़ी गल स्पष्ट है भी उत्थे जे अते की थान के उत्ते जान जिहड़ा है वह छपया उसका ठीक नहीं, तो हिंदी में जिन्होंने भी ट्रांसलेशन की होगी जैसे हिंदी में छापी होगी रहत मर्यादा उन्होंने भी देखने की लड़ है, सुधाई की भी लड़ है। इस अर्थों का अनर्थ हो जाता। तसली की गल हूँ यह है कि नवी छपी एडिशन के हिंदी के गल को दुरुस्त कर दिता, जो सिख रहत मर्यादा की हिंदी ट्रांसलेशन हुई सी तो उदो इस तरह छापिया गया, पर लेटैसट एडिशन जी हिंदी के सिख रहत मर्यादा आई है उत्थे समाधिक सुधाई जी है वह कर दी गई है और गलती जी सुधार दी गई है, क्योंकि सिख रहत मर्यादा एक दस्तावेज है, दूजे लफ्जा च कह लिए कानूनी दस्तावेज भी है जिथे कोर्ट में भी इन जाके दिखाया गया ये मदा के मुताबिक फैसले होंगे गए। इसलिए एक अखर का एंड और का लफ्ज जरा बड़े बड़े मायने रखता है, जो उस एंड की थान से और शब्द जान का मतलब सारा ही चीज जी है वह बदल जाती है, तो सारी संगत में गलत संदेश जोड़ा है वह चले जाता है। उत्थे गल बड़ी स्पष्ट हो गई है कि असी मुक्ति का दाता तो इष्ट केवल तो केवल दस गुरु साहिबान की श्री गुरु ग्रंथ साहब तो गुरु ग्रंथ साहब दस गुरु साहिबान की बाणी मनना है। इज ये अस गुरबाणी के उदाहरण लेने तो फिर सानू यह भी गल भी स्पष्ट आ जाती है कि मत को भरम भुले संसार गुरबिन कोई ना उतर सपार, कि बाणी गुरु तो बिना कोई संसार भगजन तो पार हो नहीं सकता। गुरकर्ता गुरकरने योग गुर परमेशर है भी होग, तो यह भी गल गुरबाणी गल कहती है। गुरबाणी यह भी गल कहती है कौ नानक प्रभ यह जनाई बिन गुर मुक्त ना पाईए भाई, मत को भरम भूले संसार गुरबिन कोई ना उतर सपार। गुरबाणी यह भी कहती है कि गुरबिन घोर आधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सत विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुरुघर शब्द स्पन अगर कटन सब तेरे अगर कटे सब तेरे। भट साहबान ने भी यह गल लिखी है। हुण गुरु केड़ा इस गल की भी गुरबाणी ने सानू स्पष्ट गल दिती, हमारी प्यारी अमृतधारी गुरनिभ ना मन ते धारी, चाहे वह कह लीए सतगुरु गुरु रामदास महाराज कहते बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। तो नाल यह भी गल सानू कि दसी है बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया, सतगुर मिले है सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया, उत्तम उत्तम ए विचार है जिन सच्चे सो चितलाया जग जीवन दाता पाया। तो गुरबाणी दे विच सिद्धांत नूं चंगी तरह दृढ़ करा दिता गया है, जिहड़ा अपनी मुक्ति का दाता ते इष्ट दस गुरु साहिबान केवल दस गुरु साहिबान श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु साहिबान की बाणी नूं मनन की गल रहत मर्यादा विच अपने तौर पर नहीं लिखी गई, ये जिहड़ी है सानू गुरबाणी तो सीध लैके ही यह मत जिहड़ी है
वो पाई गई। तो अगला जड़ा है वो है दस गुरु साहबान इको जोत का प्रकाश रूप करके मनना। ये एक बड़ी अहम गल है जिहड़ा दस गुरु साहबान एक जोत करके मनना। आम तौर पर बहुत सारे भुलेखे पाए जाते हैं भी गुरु साहबान जोत का की भाव है, पर आप समझ लीए जोत तो अर्थ है विचारधारा शक्ति जिहड़ा प्रकाश इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार जोत ओहा जुगत साए सह कहां फिर पलटी है। ये गल भी सानू गुरबाणी दे विच दसी गई है। दस गुरु साहबान के अंदर केवल एक जोत सी, रूप वक्रे वक्रे रहे हैं, ना जोत बदली ना सिद्धांत बदलिया ना विचार बदले, सिर्फ शरीर बदलता रहा क्योंकि शरीर के साथ थोड़े चिरे होंगे। शरीर का साथ सदा नहीं निभता, ना ही शरीर का साथ नाल चल सकता है। सिख मत दे मोढ़ी गुरु धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिन्हों के चितवे हुए आदर्शों मुताबक बाकी नौ गुरु साहबान ने उस लाए हुए बूटे को वड्डा किया, और कलगीधर पातशाह जी ने उस सिक्खी के बूटे संपूर्ण करके खालसा पंथ की सैंप जी सी निर्मल पंथ की तो चले हुए इस पंथ न खालसा पंथ की स्टैंप ला के जोड़ा सी संपूर्ण करता, जो खालस से शुद्ध खालसा हो गया। वो खालसा जोड़ा जागत जोत जबे निसबासर एक बिना मन नेक नान है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गोर मड़ी मट भूल न माने, तीर्थ दान दया तब संजम एक बिना न एक पछाण है, पूर्ण जोत जगे घट मैं तब खालस ताहे खालस जाने की पदवी ते जोड़ा सी पहुँच गया। जदों अकाल पुरख के ज्ञान की लड़ लड़ करती हुई जोत ए अंदर जग पी, उदो शुद्ध पूर्ण रूप शुद्ध खालसा बने। वो सी निर्मल पंथ का चलिया हुई यात्रा शुद्ध जो अंदर जा अंदर जग पी तो शुद्ध खालसा हो गया। तब खालस ताहे न खालस जाने जिद कोई मिलावट नहीं, तो जिद कोई मिलावट नहीं उन्होंने खालस कहा जाता है कि वह खालस है, ये चीज खालस है, खालस मतलब शुद्ध है जिद कोई मिलावट नहीं है, तो जिद इंसान में कोई मिलावट नहीं उन्होंने गुरु साहब ने नाम दिता खालसा। हूँ जो खालसा ना के पिछे लाने वाले भी जो मिलावट वाला काम करिए फिर गुरु नाल धोखा नहीं, तो होर इस तो वड्डी गल की है। असी जे खालसा नाम वरत के भी इस्तेमाल करके भी लंबे लंबे ना खालसे असी नाल लाए हुए होंगे है, तो गल् असी वह करते हैं काम वो करते हैं जो नखालस करने वाले होंगे ने, तो फिर असी अपने आप को गुरु के नाल ये कह लो गुरु नूं असी शायद कोई समझा नहीं जाना बच्चा समझ लिया तो गुरु नूं कहड़ा पता लगता जां गुरु नूं सोझी नहीं है। मैं बेनती करा गुरु तो साढ़े अंदर के फुरने वाले फुरने भी जानता है, इस वास्ते ये गल नहीं सोचनी चाहिए भी गुरु इस गल नूं जानता नहीं जां गुरु इस गल नूं जानता नहीं जानता नहीं जां पछाणदा नहीं। तो जिहड़ा आदर्श गुरु नानक देव महाराज ने शुरू किया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उसे आदर्श नूं ही संपूर्ण किया है। सतगुरु गुरु नानक साहब के बाकी गुरु साहबान ने अपना बनता हुआ उस योगदान पाया है। तो जिन्होंने जदों गुरु नानक पातशाह जी ने गुरगद्दी की जिम्मेवारी भाई लैणे नूं दे के गुरु अंगद देव बनाया, जिहड़ी जोत सी वह भाई लैणे नूं सौंप दित्ती, भाव विचारधारा जिहड़ी सी वह भाई लैणे की झोली विच पा दित्ती, पवित्र ते शुद्ध विचारधारा जो खालस रूप की विचारधारा सी, ते फिर उन्होंने गद्दी ते बैठ के सेवा निभाई। जदों गुरु अंगद देव महाराज ने वह जो जी विचारधारा से बाबा अमरदास जी को दी गुरु अमरदास बन के फिर उन्होंने गुरगद्दी की सेवा निभाई। तो सतगुरु नानक दियो आप उपाया, गुर अंगद गुरसिख बाबाणे आया, गुरसिख है गुरु अमर सतगुर पाया, रामदास गुरसिख गुरजन सदवाया, गुर अर्जन गुरसिख प्रगटी आया, फिर गुरसिख हर गोबिंद ना लुके लुकाया। इहदा मतलब कि जोत ओहा जुगत साए दा सिधांत जिहड़ा है वह सानूं दे दित्ती गुरु पातशाह जी ने साड़ी झोली विच पा दित्ती, ये गल सानूं समझा दित्ती। इस 1408 अंक के उत्ते एक भट्टा दे जिहड़े सोईए हन, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तां ते अंगद पियो तत् सिउ तत् मिलायो, अंगद किरपा धार अमर सतगुर चिरकीयो, अमरदास अमृत छत्र गुरु रामे दियो, गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत मैन,
मूर्त पंच परवान पुरख गुर अर्जन पिखो गुर अर्जन पिखो नाय। तो रहस्य किसी भी धर्म के गुज सिद्धांतों का एक अहम हुंदा है रहस्यवाद होना। गुरमत रहस्यवाद का एक चमत्कार है, एक अलोका तो निविकला काम है कि गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु तेग बहादुर जी ने अपने संसारिक जीवन काल में उही इलाही जोत अगले गुरु साहब स्थापित कर दिती, जिहड़ी जोत गुरु नानक साहब ने ट्रांसफर की, जां उही जोत जिहड़ा विचारधारा की जिहड़ी जो जोत सी वह गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु अर्जन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अंदर जिहड़ी सी रख दिती। इसे करके भट्ट मथुरा जी गाने लिखते अपने सुइयां च उच्चारण करते हैं, रामदास गुर जग तारन को गुरजोत अर्जन माहे तरी। जो जोत जिहड़ी सी गुरु अर्जन ने टिका दिती, लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया, तिन श्री रामदास सोढ़ी सिर थपो हर का नाम आख्या नित अपो। बड़ी स्पष्ट गल हो गई। तो इस वास्ते यह गल असी स्पष्ट तौर पर मान लीए, जो भाई नंद लाल सिंह जी ने जो गल एक लिखी है वो बड़ी कमाल दी है, जरा बड़ा भाई गुरदास भाई नंद लाल सिंह जी लिखते ने, हमें नानक अस्त हमें अंगद अस्त, हमें अमरदास अफजल है अमजद अस्त, अगे हमो रामदासो हमो अर्जन अस्त, हमो हर गोबिंद हमो हर गोबिंद अभूमे अब अहासन अवस्त। यह पूरा भाई गुरदास जी ने जो भाई नंद लाल सिंह जी ने जो रचना लिखी है अखीर ते जाके लिखते हैं, हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानक अस्त। गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु नानक का कोई भेद नहीं है। तो भाई नंद लाल सिंह जी ने भी गल लिखी है। जे असी रहतनामे पढ़ते हाँ उहदे च भाई एक रहतनामा आता है भाई चंपा सिंह छिप्पल का, तो उहदे च भी वह गल लिखते हैं भी जो दसा जामिया विच भेद जाने वो सो पक्का तनखाही आ। तो रहतनामा जो भाई चंपा सिंह का आता है वो गल लिखी हुई है। तो भाई नंद लाल सिंह जी होर थां गल लिखते हैं, नानक सो अंगद गुरदेवना सो अमरदास हर सेवना। वो कोई फर्क नहीं है गुरु नानक ते गुरु अमरदास, सो रामदास सो अर्जना सो हर गोबिंद हर परसना, सो करता हर हर राय दा तारनन सो हर कृष्ण अगम अपारनन, सो तेग बहादुर सत स्वरूपना सो गुरु गोबिंद सिंह हर का रूपना, सब एको एको एकना नहीं भेद कशूबी पेखना। भाई नंद लाल सिंह जी ने जी लिखी, और भाई महेंद्र सिंह एस टी ओ जो अखंड कीर्तनी जत्थे कभी कीर्तन कित करते होंगे सर पुराने समय के, जो उन्होंने ये पढ़िया बड़े ही प्यार च भिज के पढ़ी है ये शब्द भाई गुरदास जी रचना भाई नंद लाल सिंह की रचना जो गायन किया बहुत ही कमाल उन्होंने गायन किया हो। पुरातन शहर पुरातन गल कर रहा हाँ, जो बहुत ही 1970-75 के कीर्तन की उन्होंने शैली अपनी सी करन की, लेकिन उन्होंने एक गायकी बड़ी कमाल की सी ये जो जिस ढंग ने उन्होंने पढ़िया बहुत ही कमाल ना गायन किए सारे, जितों मैं ये मैं ये याद आया और जो मैं थोड़ा बहुत नोट करके रखिया क्योंकि उस कीर्तन पुराना सुनया हुआ कई बार सूँ याद आ जाता। तो 1730 तो लैके 1708 तक विचकार का जो समा से ये सिखा दे उत्ते जुल्म ते भयानक दे हनेरे काल वर्गा समा से, उही समा से जदों सिखा दे सिरां दे मुल रखे गए, सिखा दे बंद बंद कट्टे गए, उही समा से जदों किस्साधारी कोई दिखता तो उन्होंने पूछा जाता भी कौन है, तो कहते गुरु नानक का कोई फकीर सिख होएगा, इदां दी गल उदों जिहड़ी करवी जांदी सी। तो एक बार एक भाई अड्डन शाह नरभीक जेडे विचरते सन पीर फकीर के नाल गुरमत विचार करते रहते सन, इस तरह उन्होंने अपने आप किसी फकीर के डेरे से बैठे सन, तो हुकूमत का कोई वड्डा अहुदेदार उत्थे आ गया। वो भाई साहब का किस्साधारी सरूप देख के बड़ा हैरान होया, उन्हें पूछया कि ये बाबा नानक फकीर का सिख है। तो भाई अड्डर शाह को गर्मी गर्जवी आवाज दे विच बोले, नहीं 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 हम मरेले गुरु के सिख हैं। आप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू उस समय हुकूमत जिहड़ी सी मरेला कहिंदी सी, भाव मारखोरा जां लड़ाका सिख कहिंदे सी, गुरु करके बुलाउंदी सी उहनू, गुरु करके बुलाउंदी सी। इस इहदा मतलब यह है कि नाल उहने कहा भी नाल ही भाई अड्डर शाह कहन लगा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह में कोई फर्क नहीं है,
भाई अड्डन शाह ने यह गल उसने एक गल समझाई। तो गुरु साहब जी दे आपां इह गल समझ लईए, इह गल सानूं समझ आ जाएगी कि दस गुरु साहिबान नूं इको जोत करके मनना यह साडे सिख रहत मर्यादा के सीसे विच है। तो तीन चीजां जिहड़ियां अज आपां विचार कीतियां उहदे विच गुरमत दी रहणी नहीं आ, वी सिख दी आम रहणी, किरत विरत गुरमत अनुसार होवे, फिर गुरमत की चीज है, उच तीन भी पॉइंट अगे दिते गए हैं जिन्हां विचों तीन पहले पॉइंट अज आपां विचार कीते कि काल तो छुट किसी देवी देवते की उपासना नहीं करनी, अपनी मुक्ति का दाता इष्ट केवल गुरु साहबान श्री गुरु ग्रंथ साहब के गुरु साहबान की बाणी नूं मनना, ते तीजा है दस गुरु साहबान इको जोधा प्रकाश रूप करके मनना। तो इस तो अगली विचार जिहड़ी है आपां अगले हफ्ते दे विच जो सिख रहत मर्यादा का विषय आएगा उहदे विच आपां करांगे जात पात, क्योंकि एक एक माधो की जिहड़ी आ व्याख्या मंगदी है, उहदा अर्थ भी मंगदी है। तो इस वास्ते आपां उहदी विचार अगले हफ्ते करांगे जी। आज दी विचार करदे होइया भुल्लां दी आपां सुखीवां मंगदा हाँ, सारयां नूं बेनती है प्यार सत्त ते बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।